देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। वर्तमान में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और पुलिस मुस्तैदी का दावा कर रही है, पर अपराधी लूट जैसी गंभीर वारदात को भी अंजाम देने से नहीं चूक रहे। मामला सैदपुर थाना क्षेत्र के वाराणसी गाजीपुर हाईवे का है। 3 फरवरी को स्विफ्ट डिजायर कार चालक से तमंचा के बल पर 4 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अभियुक्त अरमान सैदपुर का रहने वाला है, हिस्ट्री सीटर है और उसने वाराणसी कैंट स्टेशन से एक ओला स्विफ्ट डिजायर कार बुक किया और वो ऑनलाइन नहीं कराया था बल्कि ऑफलाइन कराया था। उसने ड्राइवर ज्ञानेंद्र पांडे, जो कि वाराणसी के बाड़गांव का रहने वाला है, उससे कहा था कि उसके बहन की डिलीवरी होनी है। उन्होंने वाराणसी गाजीपुर बॉर्डर पर कहीं जाने की बात कही। इमरान के साथ 3 और लोग कार में सवार हो गए। जब ये लोग सैदपुर के पास पहुंचे तो उन्होंने ड्राइवर को तमंचा सटा दिया और उसे मारने की कोशिश की, पर ड्राइवर किसी तरह से वहां से भाग निकला। इसके बाद ये लोग कार को लूट कर वहां से भाग गए। चुनाव का समय चल रहा है और ऐसे में लूट की घटना से पुलिस भी सक्रिय हुई है और अपनी पूरी ताकत आरोपियों की गिरफ्तारी में झोंक दिया और सैदपुर थाना क्षेत्र के भीतरी अंडरपास के पास से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से लूट की डिजायर कार और तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। सैदपुर पुलिस को कमेटी क्या है मामला? देखिए, परसों रात में 10:30-11 बजे सूचना मिली सैदपुर थाने को। एक ज्ञानेंद्र पांडे हैं जिन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी जो ओला में चलती है वो वहां से बिना ऑनलाइन बुक कराए हुए डायरेक्ट बुक करा करके लाई गई है और 4 लड़कों ने मेरा मोबाइल और मेरी गाड़ी लूट ली है। इस सूचना पर तुरंत ही हमारी पुलिस सक्रिय हुई और कम से कम यानी 12 घंटे के अंदर ही इन सारे अभियुक्तों को पकड़ लिया। उनसे गाड़ी भी बरामद हो गई और जो भी सामान है वो आपके सामने है। कितने लोग थे सर इसमें? ये 4 लोग शामिल हैं और ये बहाना बना के ले आए थे कि हमारे बहन की डिलीवरी होने वाली है, बहुत अर्जेंट हमें जाना है, कि बनारस कैंट से बुक करा के गाड़ी ले आए थे। ऐसे में सर, ये लोग जो घटना का अंजाम दिए हैं, क्या इसके पहले भी इस तरह काम किए हैं या पहली बार ये लोग कर रहे हैं? नहीं, इनमें से 2 लोग हैं जिनका पहले से भी क्रिमिनल हिस्ट्री है और बाकी नए हैं, उनका पता किया जा रहा है। जो अभी तक जानकारी हुई है तो हो सकता है कि अभी इसके और इनके क्राइम निकले।